हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन आवर यूट्यूब चैनल कपिल ऑनलाइन। आज हम अपनी बुक रिव्यू की जो सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने किरण इंग्लिश वाली प्रीवियस ईयर वाली बुक का रिव्यू किया था। आज हम जीके की किरण की बुक का ही रिव्यू करेंगे, जीके प्रीवियस ईयर वाली बुक। जो भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर आए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो भी बुक्स मैंने पढ़ी थी, जिनको पढ़कर मेरा इतना अच्छा स्कोर आया, मस्ट रीड जो बुक्स हैं उनका रिव्यू हम हमारे चैनल पे कर रहे हैं। ये जो बुक्स मैं बता रहा हूँ वो बुक आपको अगर आप SSC CGL की, दिल्ली पुलिस SI की, CPO, CHSL, MTS इन सब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। कोई भी बुक कितनी ज़्यादा अच्छी है ये आप कैसे डिसाइड करोगे? आप बुक को पढ़ो अच्छे से, और जो भी नया पैटर्न एग्जाम में पूछा जा रहा है अगर उस पैटर्न के हिसाब से बुक ने अपने आप को बदल लिया है, चेंज कर लिया है, तब वो बुक अच्छी होगी। अगर पुराने घिसे पिटे पैटर्न पे ही वो बुक चल रही है तो उस बुक को अच्छा हम नहीं कह सकते हैं। तो किरण की जितनी भी बुक्स है उनकी यही खासियत है कि जो भी नया पैटर्न आ रहा है उसके हिसाब से ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी आपको जीके में पता है नया पैटर्न किस प्रकार से आ रहा है। पहले क्या होता था 2016 से 17 से पहले कि सारे के सारे लगभग क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाते थे और बच्चे आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के और अच्छे नंबर ले आते थे। लेकिन अब क्या कर दिया SSC ने TCS के आने के बाद में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कम कर दिए हैं, उनकी संख्या कम हो गई है, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके जैसे क्वेश्चंस जो है उनकी संख्या बढ़ा दी है। हालांकि क्वेश्चन वैसे ही हैं लेकिन सेम टू सेम एज इट इज़ नहीं है, उनका डाटा बदल कर दे रहा है SSC। तो किरण वालों ने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इन्होंने दिए ही दिए हैं, उनमें तो कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन जो इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आंसर है, उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा अपडेट किया है। कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में वो सारे के सारे इन्होंने इंक्लूड किए हैं। इससे क्या होगा कि एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं भी आएगा, अगर एक्सप्लेनेशन को आप ढंग से पढ़ लोगे तो आप आराम से उस क्वेश्चन को हल करके आओगे। अगर आपके जीके में SSC, CGL, CPO, CHSL, MTS इसके जीके में 20 में से कम नंबर रह रहे हैं 50 में से, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद में भी हमारे नंबर है वो बढ़ क्यों नहीं रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम देखेंगे कि किरण की बुक को कैसे पढ़ें, अगर आपने नहीं लिया है तो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो इस वीडियो में देखेंगे, और अगर ले ली है तो उसके बाद में हमें इसको अच्छे से कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही मोटी बुक आती है, तो हमें किस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस बुक का फर्स्ट पेज कवर दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, क्योंकि इसके जैसी कई सारी बुक आपको मार्केट में मिलेगी तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी बुक रियल है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो इस पर देखो क्या लिखा हुआ है, SSC सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। सबसे बड़ी बात है चैप्टर वाइज तो दे ही रखा है सभी बुक्स में, लेकिन इन्होंने टाइप वाइज उसको बांट दिया। जैसे हिस्ट्री है उसको अलग चैप्टर में तो बांट ही दिया, अब उसमें भी अलग अलग टाइप बना दिए, वो कैसे हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। आगे लिख रखा है सोल्ड पेपर्स 1997 से अब तक के जितने भी पेपर आए हुए हैं, CGL, CHSL, MTS, CPO, दिल्ली पुलिस, इन सब में जितने भी पेपर आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको इसमें मिलेंगे। लगभग 13,500 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। आगे देखिए, अब जो मैं आपको बता रहा था कि आप कैसे पता करोगे कि ये बुक रियल है या फिर नकली है, तो अंदर आपको एक स्क्रेच कार्ड मिलेगा। अगर स्क्रेच कार्ड आपको नहीं मिला हुआ है बुक के अंदर तो आपको उस बुक को ख़रीदना नहीं है। अब इस स्क्रेच कार्ड से आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आप इसका यूज करोगे तो आप इनकी ऐप पर फ्री टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, सारी टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री में मिल जाएगी, और साथ ही साथ फ्री में वीडियो लेक्चर भी आप इनके देख सकते हो। इनकी ऐप का नाम है किक्स, KICX, किक्स ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, या फिर kicks.in नाम से वेबसाइट पर आप जा सकते हो, वहाँ से इनकी सारी टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी और सारे के सारे YouTube वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट आपको देखिए कुछ फैक्ट्स दिखा रखे हैं कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इन्होंने 5 सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर दे रखे हैं कि कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं SSC एग्जाम्स में। तो सबसे पहले देखो साइंस, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, सबका वेटेज आपको दिख रहा होगा सामने। इसके बाद में देखिए
सबसे इम्पोर्टेंट जो और जो सबसे अच्छी बात इस बुक की मुझे लगती है कि सभी चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि हिस्ट्री में सीजीए इसमें सीजीएल में कितने क्वेश्चन आए, 2011 में 5 क्वेश्चन आए, फिर सीपीओ में कितने क्वेश्चन आए, 3 आए, फिर सीपीओ 2012 में कितने क्वेश्चन आए। इस प्रकार से सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उनको एक एक करके अलग अलग बताया हुआ है कि कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए, जिससे कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको आराम से पता लग जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस चैप्टर को आप पढ़ सकते हो ज़्यादा। इसके बाद में अगर हम चलें तो नेक्स्ट पेज पे आपको DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड CND, फिर MTS के सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ना केवल CGL एग्ज़ाम के, MTS, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, इन सब के आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो आगे देखिए, अब देखिए जो मैं बात आपको बता रहा था चैप्टर वाइज और टाइप वाइज वो आपको यहाँ मिलेगा। सबसे पहले देखो हिस्ट्री को इन्होंने कितने भाग में बांट रखा है। सबसे पहले 1A प्राचीन भारत का इतिहास दिख रहा है आपको, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों को अलग अलग बांट दिया। इसके बाद में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है विश्व का इतिहास, इसको अलग चैप्टर में बांट दिया। फिर कला और संस्कृति, इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको अलग सेपरेट कर दिया। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी इन्होंने सारे क्वेश्चन को मिला दिया है, सारे क्वेश्चन को इन्होंने सेपरेट करके आपको दिया है जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। जब आप कला और संस्कृति के क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको वैसे ही वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे कि आपके माइंड में केवल वही क्वेश्चन चलेंगे। अब आगे देखिए, अब सबसे बड़ी बात कि इन्होंने टाइप वाइज तो बांटा ही है, चैप्टर वाइज तो बांटा ही है, टाइप वाइज भी इनको बांट दिया। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है, इसको इन्होंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4, 5 और 6, 6 टाइप में इसको भी बांटा है। जैसे टाइप 1 में इन्होंने क्या दिया है, केवल प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं हम, प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, केवल इनके क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। फिर आगे टाइप 2 में इन्होंने क्या दिया है, देखो महाजनपदों का उदय, जैन बौद्ध और अन्य धर्म, धर्मों के बारे में दे दिया, महाकाव्य, सूत्र, स्मृतियों का युग, इन सब के बारे में आपको टाइप 2 में मिलेगा। फिर टाइप 3 भी देख सकते हो, मौर्य साम्राज्य, मौर्य के बाद का जो साम्राज्य है, ये सारा आपको मिलेगा। जितने भी वंश है वो टाइप 3 में आपको मिल जाएंगे। ऐसा किसी भी बुक में आपको नहीं दिया हुआ है कि सारे के सारे टाइप वाइज आपको बांट रखे हों। फिर टाइप 4 में आपको गुप्त वंश मिलेगा, हर्षवर्धन का काल मिलेगा। टाइप 5 में आपको अरबों की विजय के बारे में मिलेगा, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत के बारे में, इन सब के बारे में आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए वो आपको मिसलेनियस में दे रखा है, विविध में, टाइप 6 में आपको दे रखा। अब आगे देखिए, सबसे पहला चैप्टर हम देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में भी सबसे पहला टाइप है प्राचीन भारत का इतिहास, और उसमें भी पहला टाइप, टाइप नंबर 1, ये क्या है पीछे देख लेते हैं हम। टाइप 1 में है प्राचीन इतिहास के स्रोत, कि कहां कहां से हमें इतिहास का पता चला। फिर प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये सब आपको मिलेगा। तो इसके ही क्वेश्चन आपको टाइप 1 में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है, 4 ऑप्शन नीचे दे दिए। फिर ये कहाँ कहाँ आया है क्वेश्चन देखो, सबसे पहले SSC CPO सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आया है, जो कि 7/9/2003 को हुई थी, एग्जैक्ट डेट भी इन्होंने दे रखी है। फिर SSC CGL टीयर 1 में आया है, जो कि हुआ था 28/8/2016 को, और कौन सी पाली में हुआ था, तो द्वितीय पाली में हुआ था, सेकेंड पाली में। अब देखिए आगे, ये टाइप 1 हो गया। इसके बाद में आपको नेक्स्ट कई पेज के बाद में मिलेगा टाइप 2। टाइप 1 के टोटल क्वेश्चन है 75, इसके बाद में टाइप 2 के सारे क्वेश्चन आपको दे दिए। फिर टाइप 3 मिल जाएगा आपको, साथ साथ में आपको साइड में दिख रहा होगा, देखो आराम से आप देख सकते हो। फिर टाइप 4 के सारे क्वेश्चन गुप्त वंश के बारे में, सारा का सारा आपको टाइप 4 में मिलेगा। और टाइप 4 के टोटल क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 50, 50 क्वेश्चन में सारा गुप्त वंश खत्म हो गया। फिर टाइप 5 में बौद्ध के बारे में, जैन के बारे में दे दिया, सबको अलग अलग बांट रखा है इसने। फिर टाइप 6 में दे दिया गुफाओं के बारे में, फिर विविध दे दिया, इस प्रकार से अलग अलग टाइप आपको बांट दिए। फिर नेक्स्ट देखिए आप, सबके आपको अलग आंसर मिलेंगे, टाइप 1 के अलग आंसर, टाइप 2 के अलग, 3, 4, 5, 6, इन सब के आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। इसके बाद में देखिए,
सारे के सारे उत्तर आपको व्याख्या सहित दे रखे हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इनकी दे रखी है। इसी की मैं बात कर रहा था कि बाकी बुक ने समय के साथ अपने आप को, टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया है, लेकिन इस बुक ने क्या किया है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी रिलेटेड आसपास के क्वेश्चंस हैं वो भी इसने इंक्लूड कर लिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या था, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है। तो इसमें देखो, इसने टाइप वन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा सबसे पहले आंसर बता दिया, फिर आगे क्या लिख रखा है, अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। अब इसने क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा था कि पूरा लेख शास्त्र की परिभाषा बताओ, लेकिन इसने आपको बताया है क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में आजकल आ रहे हैं। आराम से आपको, जब पहले पढ़ रहे हो ना तो आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, एक एक क्वेश्चन पर पूरा टाइम आप लगाओ। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन हो गया, फिर तीसरा क्वेश्चन, इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन का आपको अलग से डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है क्योंकि आजकल एसएससी ने अपना जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। अब आप एक बार इस प्रकार से पढ़ लोगे, सारी की सारी बुक को एक बार इस प्रकार से पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी आपको मार्क नहीं करना है, चिन्ह नहीं लगाना है। जब सबसे पहले आप पढ़ रहे हो, एक भी चिन्ह आप नहीं लगाओगे, चाहे क्वेश्चन आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, आपको कोई मार्क नहीं लगाना है। जब आप सेकेंड टाइम इस बुक को पढ़ रहे हो तब आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसको सीधा छोड़ते जाना है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको क्या करो, आप मार्क कर लो, ताकि जब आप तीसरी बार पढ़ो ना तो केवल मार्क वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। जब सेकेंड टाइम आप कर रहे हो तो केवल वही क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं जो कि आपको 100% पक्का है कि मैं कर लूँगा, 100% आप श्योर होने चाहिए। इसके बाद में आप तीसरी बार जब पढ़े तो पढ़ो, तब आप क्या करो कि मार्क वाले क्वेश्चन आप पढ़ लो। उसमें भी मार्क वालों में भी आपको ऐसा मिलेगा, जब आप तीसरी बार पढ़ोगे ना तो आपको इस प्रकार से मिलेगा कि मार्क वाले क्वेश्चंस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमारे अच्छे से याद हो गए हैं, तो आप उनको छोड़ते जाओ और उन क्वेश्चंस में भी आपको जो क्वेश्चन में डाउट हो उसको आप डबल मार्क कर लो, डबल गोला लगा लो, डबल सर्कल लगा लो, ताकि जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हो तब आप क्या करो, केवल डबल सर्किल वाले क्वेश्चंस को ही पढ़ो। पूरी की पूरी बुक को तो आप तब रिवाइज़ करने बैठोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ सकोगे अगर आपने ये काम किया होगा। और सीधा अगर आपने जल्दी जल्दी पढ़ा हुआ होगा तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीके में। अगर आपने रिवीजन सही तरीके से नहीं किया तो आपकी ये सारी की सारी बुक को पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए, ये तो आप करोगे ही करोगे, फिर आगे जो डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है ना आपको, इसमें भी जो चीज़ें आपको नहीं आती है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो हाइलाइटर के माध्यम से। जैसे आप बुक पढ़ते हो ना, वैसे ही आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो हाइलाइटर के माध्यम से आप हाईलाइट करके और ये देख लोगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं आती है। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो सारा का सारा तो आप पढ़ोगे नहीं, इतना सारा तो आप वही पढ़ोगे जो कि आपने हाईलाइट किया होगा, या आपको ऐसा लगे कि जो क्वेश्चन आने लायक होंगे उनको आप हाईलाइट कर सकते। फिर क्या करोगे कि हिस्ट्री आपकी पूरी हो गई, अब आप आओगे ज्योग्राफी पे, भूगोल पे, तो भूगोल के साथ साथ आपको पीछे हिस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है। जैसे भूगोल का आप पहला पेज पढ़ रहे हो तो साथ में हिस्ट्री के दो पेज पढ़ो, ताकि आपको वो रिकॉल होता रहे साथ ही साथ, वरना जैसे ही आप भूगोल ख़त्म करोगे वैसे ही आपकी हिस्ट्री भी साथ में ही ख़त्म हो जाएगी। फिर अगर आप लास्ट ही लास्ट पेज पे देखो, कवर पे, लास्ट ही लास्ट पेज पे, तो आपको क्या मिलेगा, देखो कुल इसमें 22 अध्याय 22 चैप्टर दे रखे हैं, मुफ्त में फ्री में आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा अगर आप स्क्रैच कार्ड का यूज़ करोगे। और अगर इनके यूट्यूब चैनल पे आप जाते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जा सकते हो, वरना मेरी ये सलाह है कि यूट्यूब चैनल पे जाने से अच्छा है कि आप इसको अच्छे से पढ़ो, बाद में पूरा जब अच्छे से आप पढ़ लो तब आप चैनल पे जा सकते हो, अगर आपको उसमें कुछ अच्छा लगे तो आप वो भी कर सकते हो। फिर आपको नीचे एक स्कैनर दिया हुआ है, एक बार कोड दिया हुआ है, ये आप इनकी ऐप पर जाकर स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने से आपको सारे वीडियो लेक्चर दिख जाएंगे, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। और इसकी अगर आप प्राइस की बात करो, प्राइस के बारे में अगर आप चिंतित हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस इसकी है, ऊपर लिख रखा है इन्होंने 625, लेकिन जब आप ऑफलाइन स्टोर से लोगे या फिर ऑनलाइन लोगे तो आपको काफ़ी कम में मिल जाएगा, लगभग 400 के लगभग मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए आपको ये बुक। अगर आपके ऑफलाइन स्टोर में मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऑफलाइन में नहीं मिले तो नीचे आप लिंक पे क्लिक करके इसको मंगवा सकते हो।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे भी हम नई नई बुक्स का रिव्यू करते रहेंगे, वो सारी बुक्स जो आपको पढ़ने जरूरी है, जो मस्ट रीड बुक्स है, वही मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। अगर आपको SSC से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और अगर पसंद नहीं आए तो हमेशा की तरह वीडियो डिसलाइक करके ज़रूर बताएं कि हमें कहां पर इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।